अनुपमा शो में वनराज का किरदार निभाने वाले, सबको अपना दीवाना बनाने वाले सुधांशु पांडे शो से बाहर हो गए हैं। सुधांशु ने खुद इसकी जानकारी दी और जब से एक्टर ने इस बारे में बताया तब से फैंस काफी ज्यादा परेशान हैं। सभी जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सुधांशु ने इस शो को छोड़ दिया, क्योंकि वो शो के अहम किरदारों में से एक थे। ऐसे में खबरें आती हैं कि कहीं रूपाली गांगुली के साथ अनबन की वजह से तो नहीं उन्होंने शो छोड़ दिया। तो जाने सुधांशु ने क्या कहा। तो आज मैं आप लोगों को थोड़े भारी दिल से लेकिन आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि मैं अब अनुपमा शो का हिस्सा नहीं हूँ। और मुझे लगा था कि जी पिछले रक्षाबंधन से मैं उस शो का हिस्सा नहीं हूँ, इसी रक्षाबंधन से। बट अब क्योंकि इतने दिन बीत गए थे तो मुझे लगा कि मेरी ऑडियंस जो है वो मुझे कल को मुझसे नाराज़ ना हो कि ये बिना बताए कैसे चला गया। तो मुझे लगा कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आप सबको ये बात बताऊँ। रूपाली के साथ अनबन खबरों पर बोले सुधांशु ने बात करी कि ये सब चीज़ें होती हैं, खाली दिमाग की वजह से होती हैं, ये सब अफवाहें कहाँ से आती हैं मुझे नहीं पता, इसका कोई वजूद नहीं है, इन खबरों के बारे में मैं नहीं जानता, इन सब के बारे में डिस्कस करना टाइम बर्बाद करने जैसा है, ऐसी अफवाहों पर बात करने का मतलब कुछ नहीं है। शो छोड़ने को लेकर बोले कि शो के बाहर मैं, सुधांशु ने कहा, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जो कोई चीज़ होती है समय से होती है, भगवान आपको सिग्नल देते हैं, भगवान हमेशा सिग्नल देते हैं, बस मैंने सही समय पर इसे समझ लिया, मुझे लगा कि समय आ गया है, अब मूव ऑन करना चाहिए। मैं 4 साल से खुश था, मैंने शानदार शो किया, इससे काफ़ी कुछ आशीर्वाद भी मिला। वहीं इस इंटरव्यू में जब सुधांशु से पूछा गया कि शो के प्रोड्यूसर राजन शाही के साथ अनबन की वजह से उन्होंने शो छोड़ा, तो इस पर एक्टर ने कहा कि वो राजन की काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे और उन मन में हमेशा उनके लिए रिस्पेक्ट रहेगी, मेरे मन में किसी के खिलाफ कुछ भी गलत नहीं है। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।